हम तैयार हैं जाने के लिए बाहर। जैसे कि आपने पहले ब्लॉग में देखा कि मैं आया हूँ चेन्नई, तो मैं रास्ते में बताता हूँ आपको कि मेरा क्या काम था और मैं क्यों आया हूँ। सो लेट्स गो। अभी मेरे को जाना है चेन्नई एग्मोर स्टेशन, उधर से मैं लोकल ट्रेन लूँगा पोथेरी के लिए, जो जाता है सीधा SRM। तो SRM में उतरने के लिए हमें हमें जाना पड़ता है पोथेरी स्टेशन, तो उधर के लिए लोकल ट्रेन पकड़ने जा रहा हूँ अभी मैं एग्मोर। तो अभी मैं पहुँच गया हूँ एग्मोर। मेरे होटल से वो 300 मीटर ही था, मैंने आपको बताया था पिछले व्लॉग में। अभी ये एक रोड क्रॉस करना पड़ता है, फिर आ गया एग्मोर। इस गली में ही अपना होटल है, तो दिख रही है आपको गली। तो मैंने पता किया अभी, तो मेरे को पहले आया हूँ मैं इधर, लेकिन मेरे को फिर से डाउट हो गया। एक साल बाद आ रहा हूँ ना, तो उन्होंने बता दिया कि 10th प्लेटफॉर्म से जाती है लोकल ट्रेन, 10th 11th शायद। तो हमको 10th प्लेटफॉर्म तक जाना है, ये स्टूडियो से जा रहा हूँ मैं। ये इधर इस तरफ जाना है आपको, ये स्टेशन देख लीजिए आप, एग्मोर स्टेशन है। सुबह इधर से उतरे थे हम, और इधर से लोकल ट्रेन भी जाती है, बढ़िया है। ये 10th 11th प्लेटफॉर्म आपको दिख रहा होगा, लेकिन पहले हम टिकट लेते हैं। इसके लिए बुकिंग काउंटर नीचे बता रहे हैं, तो हम नीचे जाते हैं और टिकट लेके आते हैं। पीछे लोकल ट्रेन का बुकिंग काउंटर है, जैसे मैंने टिकट ले लिया है, 10 रुपये का पड़ा मेरे को। हाँ, मैक का 10 रुपये का ही है इस लाइन का, तो रिटर्न का अवेलेबल नहीं है बोल रहे, तो अगर आना है उधर से तो मैं उधर से ही ले लूँगा। तो लेट्स गो एंड कैच द ट्रेन। ये ऊपर नीचे होने में सुबह जो जो इडली खाया था वो तो हजम होने पे आया है, तो जाकर उधर और कुछ खाना ही पड़ेगा। 10th प्लेटफॉर्म की ओर जा रहा हूँ, उधर से ही ट्रेन कैच करना है। एक बार नीचे भी जाकर कंफर्म कर लूंगा लोगों से। मैंने कंफर्म कर लिया है, अभी ट्रेन इसी साइड आ रहा है, प्लेटफॉर्म 10 के, और ये वाला प्लेटफॉर्म। तो वेट करते हैं ट्रेन कब तक आती है देखते। बैठने का एक जगह मिल गया है, उधर ही बैठ जाता हूँ। थोड़ी देर में अपनी ट्रेन आने वाली है, मैं दिखाता हूँ आप। ये आ गई अपनी ट्रेन, अपना आ गया अपना स्टेशन। अभी कॉलेज चलते हैं। ये आ गया हूँ मैं अपने हॉस्टल में, यहीं पे रहता था मैं सेकंड ईयर। तो जाएंगे और रूम खाली करेंगे,
और लगेज तो लाए हैं, उसमें सामान भर के ले जाएंगे। जो नहीं लेना है, इधर ब्लॉक रूम में रखने का फैसिलिटी है। इनका प्रोसीजर क्या है कि जो लोग हॉस्टल वैकेट कर रहे हैं तो उनको एक वैकेटिंग फॉर्म लेना पड़ता है, हॉस्टल ऑफिस में मिलता है, तो उधर से वो वैकेटिंग फॉर्म फिल कर लेंगे तो ये हॉस्टल खाली करने का परमिशन देते हैं। और जैसे कि मेरे केस में, मैं नेक्स्ट ईयर भी हॉस्टल में रहूँगा, तो मेरे को बस एक लेटर लिख के देना है उनको कि ऐसा ऐसा है, मेरे को खाली करके क्लॉक रूम में स्टोर करना है, तो वो लेटर से काम चल जाएगा मेरा। तो लेटर लिखने जाते हैं हॉस्टल ऑफिस। ये है सनासी ब्लॉक, हॉस्टल ऑफिस इसी के अंदर है। तो जाते हैं और उनको लेटर देते हैं। एंट्री नहीं करना पड़ता, ये बाहर से ही सीढ़ी है हॉस्टल ऑफिस के लिए। अब हम हॉस्टल आ गए हैं, अभी उनका लंच ब्रेक चल रहा है तो हम भी अपना लंच करने आ गए। ये अपने दोस्त सूर्यकांत, ये भी आए हैं हॉस्टल खाली करने, तो ये भी अपने साथ आ रहे हैं लंच करने। स्विगी से मंगा लिया हमने खाना, वो आता ही होगा कुछ 10 मिनट में। तो तब तक आपको मैं जो जो रास्ते में पड़ता है अपना ऐसा दिखाते जाता हूँ। ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, उसके ऊपर है यूनिवर्सिटी बिल्डिंग, और ये अपना हॉस्टल कॉम्प्लेक्स है जो इधर इधर। ये मेरा फर्स्ट ईयर का हॉस्टल था, ये भी दिखाऊंगा आपको। इधर से जाते हैं आर्च गेट, क्योंकि डिलीवरी वहाँ तक ही आता है। सूर्या जी आप बताइए, मास्क तो उतारिये सर। हाँ जी, और आप कब आए हैं? आज ही, कल रात में पहुंचा। कल रात में पहुंचे आप चेन्नई, तो कैसा लग रहा है आपको? नॉस्टैल्जिक लग रहा है थोड़ा थोड़ा, एक साल बाद आए हैं। थोड़ा थोड़ा अच्छा लग रहा है पुराना सामान देख के। तो अभी तक हॉस्टल नहीं गए हैं, तो इनसे पूछते हैं इनके हॉस्टल का क्या हाल है, कैसा है सामान। सामान कैसा था आपका सर? सड़ गया था सामान। पूरा मतलब कुछ कपड़े? बचा है क्या? बचा है कुछ, वो एक ट्रॉली में आ गया मेरा। अच्छा अच्छा, आपका तो कम सामान ही था। हाँ, हमारा सामान लेते लेते हमारा फट जाएगा। ये गाड़ी में हमको नहीं लेते? अरे नहीं लेते भाई, देखिए क्या है, अपने को नहीं लेते भाई, खाली फर्स्ट ईयर लोग को अट्रैक्ट करने के लिए। तो बताइए आपको कैंपस कैसा लग रहा है? आपका तो एक साल ही रुके आप इधर। कैंपस बोरिंग है, कैंपस लाइफ इधर एसआरएम में। जाते हैं क्या आप फेस्ट वेस्ट? जाते हैं आरुष मिलन जाते हैं? कुछ नहीं, घर जाता हूँ मैं। घर जाते हैं, ये बढ़िया एंजॉय करते हैं। घर का सीन सॉर्टेड है भाई, ये घर जाते हैं मस्त। छुट्टी मिलता है भाई, घर जाना चाहिए। हाँ, 7-8 दिन का छुट्टी मिलता है अलग। ये है आर्च गेट, इसका नाम आर्च गेट क्यों है? आर्च जैसा बना हुआ इसीलिए। तो हम इधर छाव में थोड़ा वेट करते हैं, उधर धूप है। तो उधर जो ऑटो दिख रहा है ना आपको, उस लाइन पे आता है डिलीवरी बॉय, तो डिलीवरी करके चले जाते हैं। ये वीडियो थोड़ा लंबा बन रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको दो पार्ट में बनाता हूँ। पहला पार्ट आपको कैसा लगा बताइए, अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और दूसरे पार्ट के लिए बने रहिए मेरे चैनल पे। थैंक यू।